खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम ज्ञान हमारी। अल्लाह ने इस तरह बनाया तो हम इसी तरह है, कोई सुनने वाला अल्लाह ही है, बस कोई इंसान सुनता ही है। दुनिया में वालदैन के लिए बच्चे सबसे बड़ी नेमत होते हैं, और बच्चों के लिए वालदैन की मोहब्बत बेलौस और बेपनाह होती है। बच्चों की देखभाल के लिए वालदैन अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, और उनके सुख और खुशी के लिए वालदैन अपनी तमाम ख्वाहिशात कुर्बान करते हैं। बुढ़ापे में वालदैन के लिए यही औलाद सहारा बनते हैं, और उनकी हर खुशी के लिए औलाद भी पेश पेश रहते हैं। जम्मू के गुजरनगर इलाका से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यासीन और उनकी अहलिया जरीना आज के दौर में एक ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। दरअसल जरीना को अल्लाह ने 5 औलाद से नवाजा है, जिनमें एक बेटी और 4 बेटे हैं, मगर बदकिस्मती से 3 बेटे पैदाइश से नाबीना थे। अगरचे जरीना ने इन नाबीना बच्चों की परवरिश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, आज भी ये जवान साल नाबीना बेटे अपनी वालदैन पर ही मुनहसिर हैं। जरीना कहती हैं कि उनके शौहर मजदूरी करते थे और उनकी आमदनी भी उतनी नहीं थी कि इन बच्चों की बीमारी के अखराजात को बर्दाश्त कर सकते, और आज वो बुढ़ापे की वजह से मजदूरी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनके बेटों का सारा बोझ उन पर आ गया है। बचपन से आज तक मगर कुछ नहीं बना इनका, सब कुछ किया, पैर फकीर जो कुछ इधर दुनिया में है उधर गया, मगर कुछ नहीं बनता इनका। दरवाजे पर मिनिस्टर है, कोई भी है, धक्का देता है, बाहर निकालता है, सुनता नहीं है। अल्लाह ने इस तरह बनाया तो हम इसी तरह है, कोई सुनने वाला अल्लाह ही है, बस कोई इंसान सुनता ही नहीं हमारा। यही है, जब तक जिंदा है तब तक इनका इलाज करता है, दवाई खाता है, कोई भी बीमार होता है, किसी वक्त कुछ होता है, इनका 1000 रुपया आता है, इनका कुछ चारा कुछ उसमें नहीं आता है। उनके नाबीना बेटे भी आम लोगों की तरह शौक रखते हैं, मगर उनके अहले खाना की इतनी कमाई नहीं है कि उनके शौक को पूरे कर सकें। मंजूर अहमद ने ईटीवी भारत के साथ बात करते हुए कहा कि उन्हें भी शौक है कि वो दुनिया देखें, लेकिन वो नाबीना हैं। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र रसीदा वालदैन इस वक्त भी उनकी खिदमत करते हैं, जबकि उन्हें उनकी खिदमत करनी चाहिए थी। सरकार से यही मुतालबा है कि हम 3 लोग नाबीना हैं, जो उनको मेरे भाई को नौकरी दी जाए तो जहाँ से हमारा घर आगे चले, हो सके अगर पेंशन बढ़ाएंगे, आप अपील करते हैं पेंशन गवर्नर से, पेंशन बढ़ाया जाए, गवर्नर से अपील है पेंशन बढ़ाया जाए, ऊपर से एक भाई को नौकरी दी जाए। बचपन से शौक था बहुत कुछ करने का, अब क्या करें, ऊपर वाले की मर्जी, नहीं चाहा ऊपर वाले ने, अब क्या कर सकते, अब दिल में जो है वो दिल में ही। अब मंजूर को गुलोकार मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, और जब भी कोई मेहमान उनके घर आता है तो मंजूर उनके लिए गाना गाते हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, फिर से कहो कहते रहो, अच्छा लगता है जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। वहीं दूसरे नाबीना भाई सज्जाद मजहबी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं। कुरान की तलावत करना और नात ख्वानी करना उनका पसंदीदा अमल है। कभी गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत मनाने से क्या फायदा, ऐशो इशरत मनाने से क्या फायदा, आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो
उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। उन्होंने कहा, अल्लाह ने उन तीनों भाइयों को नाबीना पैदा किया, जिसकी वजह से उनके वालदैन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तीन भाई नाबीना है, हम कुछ कर नहीं सकते, कमा नहीं सकते। जहाँ तक वालदैन का दम था, इन्होंने हमको पाला पोसा, जवान किया, यहाँ तक पहुँचाया। अब इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं, हम हमें पाले, हमें चाहिए था इनकी सेवा करने, लेकिन ये हमको शुक्र है, ये बुढ़ापे के अंदर भी हमारी सेवा करते हैं। पर एक भाई ठीक है, अगर इसको नौकरी मिले ताकि ये अपनी फैमिली को भी संभाले, हमारे घर भी चले और हमारी परवरिश भी करे। इसको कुछ रोज़गार नहीं है, क्या कमाते महीने में आपको। उनके वालिद मोहम्मद यासीन ने बताया कि उनकी परवरिश और इलाज करने में उन पर तकरीबन 7 से 8 लाख रुपये तक कर्जा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनका मकान भी आग की जद में आकर खाकस्तर हो गया था। बस खाया तो रब से है, इसी तरह पहले तो हिम्मत थी काम करने की, आगे पीछे जाने की, तो अब तो हिम्मत नहीं थी, अब नहीं, अब तो बूढ़े हो गए, अब खुद चलने की हिम्मत नहीं है, तो अब इनको थोड़ा सा इधर तक उधर तक अस्पताल तक जाते हैं, माई लेती है, मैं लेता हूँ, ये भाई एक है, खुदा ने इनके रखवाली के लिए भेजा है। अब इसे वक्त और कुदरत का खेल कहें या हालात की सितम जरीफी, लेकिन इस जोड़े की हालत देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को सिर्फ दुख, दर्द और ठोकरें झेलने के लिए ही जन्म दिया गया है। जम्मू से ईटीवी भारत के लिए मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट।